हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग सीए के अंदर मेहनत का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता बट अगर मेहनत को तुम स्मार्ट वर्क के साथ जोड़ दो तो भाई साहब तुम्हारा पक्का है और यही मंत्र तुम्हें लगाना है ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर ऑडिट में मेहनत करनी है देर आर इलेवन चैप्टर्स बट मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करो तो तुम ऑडिट के अंदर हंड्रेड परसेंट सिक्सटी अब तो ला ही दोगे स्मार्ट वर्क करने के लिए दो फैक्टर्स बहुत काम आते हैं पहला कोई भी चैप्टर होता है उसका वेटेज कितना है और दूसरा उसमें टाइम कितना लगेगा नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इससे हम अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर पे हमें कितना टाइम लगाना है और यही चीज समझाने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ चलिए Institute यहां पे स्किल वाइज वेटेज का ये पोर्शन लेके आया है हैव अ लुक कौन से कौन से चैप्टर्स में कितने कितने मार्क्स की संभावनाएं है पूरी सबसे पहला आ जाता है हमारा नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग ठीक है नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग ऑडिंग वेरी बेसिक चैप्टर है ना ओरिजिन ऑफ ऑडिट ने डेफिनेशन और बेनिफिट और ये सारी चीजें देखे रखी इनहेरेंट लिमिटेशन वेरी सिंपल टॉपिक नंबर ऑफ पेजेस करीबन करीबन इसके अंदर थर्टी टू फोर्टी है बट यार उसके सामने ये फोर टू सिक्स परसेंटेज मतलब चार से लेके छह मार्क हमारे इसी चैप्टर में से आने वाले हैं ठीक है थीके? बेसिक चैप्टर है हंड्रेड परसेंट हम इसके ऊपर पूरा फोकस कर सकते हैं ज्यादा मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है बट वेरी सिंपल वन बिल्कुल छोड़ने लायक नहीं है ठीक है चलिए थर्टी फाइव टू फोर्टी पेजेस का है टू मार्क्स का यहां पे आ गया सेकंड आता है ऑडिट स्ट्राटेजी ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम वेल टेक्निकली चैप्टर वन के बाद हमें चैप्टर इलेवन करना चाहिए बट लाइन बाई लाइन यहां पर जो चैप्टर उसके हिसाब से बताता हूं ऑडिट स्ट्राटेजी ऑडिट प्लान ऑडिट प्रोग्राम इज द सेकंड सेकंडस्ट चैप्टर इस पूरे ऑडिट का मतलब ये करीबन करीबन यार 25 से 30 पेज का ही है अगर थियोरिटिकली देखे तो खाली ऐसे तो 25 पेज का ही है थोड़ा बाकी टेस्ट नॉलेज और सब ऐड करा करा सोच लो प्रायोरिटी क्या रखनी है इसको एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ 25-30 पेज का है जो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है और उसमें से आएगा कितना करीबन दस मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट वन राइट तो 8 टू 12 मार्क्स दैट सेकंड नंबर का चैप्टर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा नाउ थर्ड नंबर का चैप्टर अगेन ये एट टू ट्वेल्व परसेंटेज यानी से बारह मार्क ऑन एन एवरेज दस मार्क छोटी बात नहीं है बट इन अनलाइक चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर थ्री काफी बड़ा है और कंसेप्चुअली काफी डीप भी है ठीक है इसमें बहुत चीजें हम पढ़ने वाले हैं दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज और दस मार्क के हिसाब से इसके सामने ये करीबन करीबन 75 टू 80 पेजेस का है तो चैप्टर को मैं थोड़ा बड़ा ही समझूंगा दिग कैटेगरी सेकेंड चैप्टर स्मॉल में है फर्स्ट वाला भी मैं स्मॉल में ही मानूंगा लुकिंग एट द टाइम विच इस है टाइम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है बाकी एक्चुअली छोटा ही चैप्टर है चैप्टर नंबर थ्री जो है वो मैं बड़ी वाली कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि इसके अंदर तुम्हें टाइम ज्यादा लगने वाला है और ये एवरेज में 10 से 12 मार्क का पूछा जाएगा ठीक है ये चैप्टर नंबर थ्री पूरा है यहां पे देखो कितनी सारी चीजें हैं यू यू गोइंग गोइंग टू टू स्टडी स्टडी अबाउट अबाउट ऑडिट रिस्क रिस्क चीजेंटीरियल मिस स्टेटमेंट इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क डिटेक्शन रिस्क और प्रोफेशनल uh, जजमेंट और ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़ोगे तुम इसके अलावा बेंच मार्क मटीरियलिटी ऐसे थ्री के बारे में पढ़ोगे फिर इंटरनल का फाइव पढ़ोगे पूरा कितने सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम यहां पे कवर करने वाले हैं एंड देन आईटी एनवायरमेंट वाला जो ऑडिट है यानी डिजिटल ऑडिट वो भी पे कवर होने वाला है दैट इज अ न्यू टॉपिक विच इज कवर्ड ठीक है तो वेरी इंपॉर्टेंट वन वो सब चीजें हम चैप्टर नंबर थ्री में कवर करेंगे फिर आधा चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर इज विद रिगार्ड टू ऑडिट एविडेंस द बिगेस्ट चैप्टर इन द होल ऑफ ऑडिट पूरे ऑडिट का ट्वेंटी परसेंटेज जो यू नो लेंथ है वो सिर्फ एक ही चैप्टर में कवर्ड है दैट इज ऑडिट एविडेंस ये करीबन 140 पेजेस का है विथ टेस्ट नॉलेज एंड अदर थिंग्स है ना पीछे के क्वेश्चंस का प्योर थियोरी की बात करूं तो करीबन करीबन 115 पेजेस की प्योर थियोरी है इसके अंदर ठीक है बट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि टॉपिक्स है बहुत सारे बट बहुत आसान है समझने के लिए एंड कोर्स उसी के सामने इन्होंने दिया हुआ है कि भाई इस चैप्टर का वेटेज है 12 टू 18 परसेंटेज uh, मेरे हिसाब से ये हायर साइड पे जाएंगे इफ यू टेक ऑन द हायर साइड इन दिस तो 18 मार्क आएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से 18 मार्क्स फॉर दिस यूज चैप्टर इज गुड ठीक है तो इसके अंदर बहुत मल्टीपल सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले सबसे ज्यादा टॉपिक्स तुम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे स्टार्ट विद ऐसे ऐसे 500 ऐसे 610 की तरफ जाओगे फिर उसके अलावा ऐसे 501 करोगे ऐसे 505 करोगे 510 करोगे 550 करोगे फाइव करोगे ठीक है अच्छा बीच में एक ऑडिट सैंपलिंग का फाइव भी आ जाएगा ये ऑडिट सैंपलिंग अपने आप में एक अलग सा चैप्टर है ठीक है तो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर 12 टू 18 परसेंटेज 18 मार्क का आ जाएगा 18 मार्क में मेरे हिसाब से तो ये 18 मार्क्स का मिनिमम पूछा ही जाएगा चैप्टर नंबर फोर बट चैप्टर नंबर फोर के साथ साथ एक चैप्टर नंबर सिक्स को भी जोड़ दिया है चैप्टर नंबर सिक्स सिर्फ 12 पेजेस का है

बार चैप्टर नंबर फोर में तो से तो मिनिमम पंद्रह से अठारह मार्क का आएगा सोच लो तुम्हारे पूरे सौ मार्क के पेपर में से एक ही चैप्टर में से एटीन मार्क्स आएगा कितना इंपॉर्टेंस है उस चैप्टर का लेंथ वाइज भी और मार्क्स वाइज भी ये चैप्टर एट पार चलता है लेंथ वाइज मैंने जैसे कहा ओवरऑल ट्वेंटी है पूरे लेंथ का और मार्क्स भी एटीन टू ट्वेंटी परसेंटेज अपने मान सकते हैं ठीक है चले चैप्टर नंबर फाइव इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी सिंपल चैप्टर वेरी बेसिक चैप्टर ठीक है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तुम ऑडिट समझोगे एंड दिस इज गोइंग टू टू बी फॉर परसेंटेज अगर मैं ऑन एन एवरेज भी मानू तो यार इस पर्टिकुलर एक चैप्टर में से सिक्सटीन मार्क्स यानी चार मार्क के चार क्वेश्चन तो आराम से पूछ लेंगे लोग सिक्सटीन मार्क्स फॉर दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली बिग है ना चैप्टर मैं बता दू एस सच हंड्रेड पेजेस का है बट ये हमने किया है नोट्स में से जो नोट्स मैंने कवर कर दी है या थर्टी पेजेस के अंदर अंदर जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ही दी है तो यार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स वाइज बहुत ज्यादा मेहनत वाइज काफी कम इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क वाला चैप्टर ठीक है तो ये मैं मिड कैटेगरी के चैप्टर में डालूंगा टाइम लगा के आराम से पढ़ना अच्छे से पढ़ना शिद्दत से सिक्सटीन मार्क्स कोई छोटी बात नहीं है इस चैप्टर के लिए अच्छा फिफ्थ चैप्टर के अलावा सिक्स तो हमारा हो चुका है सेवेंथ चैप्टर कंप्लीशन रिव्यू मिड कैटेगरी का चैप्टर है ठीक है बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है ये करीबन करीबन 55 पेजेस का है uh, जो uh, 8 टू 12 परसेंटेज का है मतलब ऑन एन एवरेज दस मार्क का आएगा मतलब एक देख रहे हो तुम चैप्टर्स को क्या कर दिया है एक बेसिक वेटेज दे दिया है सिक्स बहुत छोटा है फोर बहुत बड़ा है तो उस हिसाब से उनका दो चैप्टर का मिला के ट्वेंटी मार्क्स कर दिया उन्होंने टू मार्क्स बाकी हर एक चैप्टर जो है चैप्टर नंबर फाइव ये इन्होंने टू 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 मार्क्स 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 कर दिया तो ऑन एन एवरेज दस दस मार्क्स एक चैप्टर में से पूछा जाएगा मतलब इंस्टीट्यूट बिलीव कर रही है कि हर एक बच्चे से हम हर एक चैप्टर के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे और दस दस मार्क्स का वेटेज एप एवरेज uh, में देके रखा है बस देखना यह है कि तुम्हें टाइम कितना लगेगा मेहनत कितनी लगती है उस हिसाब से तुम्हें प्रायोरिटी देनी है कि मेरे को कौन से चैप्टर पे कितना टाइम लगाना है ठीक है एथ इज अबाउट ऑडिट रिपोर्ट बड़ा चैप्टर है ये करीबन करीबन 90 पेजेस का चैप्टर है एटी फाइव टू नाइन पेजेस का चैप्टर है अगर मैं प्योर की बात करूं तो ये एटी थ्री एटी का प्योर है अगेन ऑन एन एवरेज जो मैंने कहा तुम्हें दस एक मार्क मार्क का का परसेंटेज परसेंटेज से अगर मैं तो चार चार तीन और तीन, ऐसे मैं चार क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से भी ऑडिट रिपोर्ट में जहां पर तुम पूरा ऑडिट रिपोर्ट अच्छा काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ऐसा नहीं है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर पूरा लास्ट स्टेज रिपोर्टिंग का स्टेज फॉर्मेट वॉर्मेट समझोगे एक्सेट्रा ये इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाएगा ठीक है और दो चैप्टर जो है यहां पे 12 to 18 percentage का आएगा, मेरे हिसाब से अपने इसको थोड़ा हाइयर साइड पे कंसिडर कर सकते हैं एटीन मार्क्स का कंसिडर हम डेफिनेटली कर सकते हैं, हाइयर साइड पे 18 मार्क्स का जिसमें से आ, मेरे अंदाजे के हिसाब से 12 मार्क्स

ये पचास पेज कवर करने में देखो दो चीजें होती है कुछ में कुछ पेजेस कवर करने में ज्यादा टाइम लग भी सकता है कुछ में नहीं भी लग सकता ये पेजेस कवर करने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज बैंक्स स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्सो वेरी इंटरेस्टिंग वेरी सिंपल चैप्टर तो उसके लिए बारह मार्क बहुत अच्छी बात है और यहां पे हम मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे पूरी तरह से और हमें भी मॉड्यूल के ऊपर ही पूरी तरह से क्या करना है फोकस करना है बारह मार्क कोई मजाक नहीं है इस चैप्टर के लिए राइट तो वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड वेरी बेसिक वन ऑल्सो तुम लोग यार रीड करोगे ना एक दो बार तो भी तुम्हारे सारे पॉइंट्स जो है वो लिख पाओगे और एक लास्ट चैप्टर आता है जो चैप्टर नंबर वन के बाद हमें करना चाहिए चैप्टर नंबर वन के बाद इलेवन करेंगे उसके बाद तुम टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन करो इलेवन चैप्टर नंबर वन के साथ जोड़ दो Uh, ये भी करीबन एट टू टेन परसेंटेज बोला हुआ है मैं थोड़ा लोअर साइड पे ले रहा हूं इसको एट मार्क्स का दो क्वेश्चन से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर चैप्टर में से uh, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ेंगे एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस और सेफ टू इंडिपेंडेंस ये सब कुछ मेन एरियाज है और लास्ट में कि एक क्वेश्चन यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एसक्यूसी वन और एस ए टू में से एक क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं और एक क्वेश्चन मैं यहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट इज योर फंडामेंटल प्रिंसिप्स थ्रेट वाला ठीक है तो यहाँ पे एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है दिस इज अप्रोक्सिमेटली थर्टी फाइव पेज थर्टी फाइव टू फोर्टी पेजेस का चैप्टर है छोटा चैप्टर है इसको मैं स्मॉल कैटेगरी में डालने वालों डन चलिए तो इसी के साथ-साथ हमारा ऑडिट का जो है चैप्टर वाइज वेटेज मैंने बता दिया मैंने तुम्हें दो कंसंट्रेशंस दिए हैं अब उसके हिसाब से तुम्हें अपनी प्रायोरिटी एक बार चैप्टर सारे कर लो फिर प्रायोरिटी सेट करो कि मेरे को कौन से चैप्टर पे कितना टाइम लगाना है स्मार्ट वर्क करोगे तो तुम्हें ऑडिट के अंदर हंड्रेड परसेंट मैं फिर से कह रहा हूं हंड्रेड परसेंट सिक्सटी मार्क्स तो आ ही जाएंगे एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है अब एनालिसिस खत्म होने के बाद ये कंप्लीट कोर्स अलोंग विथ ई बुक एंड समरी नोट सब कुछ अवेलेबल है ई स्कॉलर्स की वेबसाइट पे गो चेक इट आउट